खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। साइबर ठगों के बिछाए जाल में आए दिन फंस रहे हैं शिकार। चिकित्सक से क्रेडिट कार्ड के नाम पर ठगे 1,80,000। महिला सर्जिकल वार्ड में अन्य मरीजों को भर्ती करने से संक्रमण का बना खतरा। रोगियों की बड़ी संख्या से जिला अस्पताल के वार्ड हुए फुल। कैपिटल गैलेरिया के रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, तंदूर का चिमनी सिस्टम बना वजह। वहीं चौपानकी के केमिकल प्लांट में भड़की आग। और तड़प तड़प कर मरे दो सांभरों के पेट से निकली 12 किलो पॉलिथीन। भूरा सिद्ध वन क्षेत्र में पॉलिथीन और प्लास्टिक कचरा फेंकना बना जानलेवा। वहीं वन विभाग ने चलाया जागरूकता अभियान। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। साइबर ठग अलवर निवासियों को लगातार अपने निशाने पर ले रहे हैं। वहीं अब क्रेडिट कार्ड की आड़ में ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही अलवर के एक होटल के शेफ के साथ इस तरह की ठगी हुई थी। वहीं अब सदर थाना क्षेत्र स्थित शालीमार सोसाइटी में रहने वाले आयुर्वेदिक चिकित्सक से क्रेडिट कार्ड एक्टिव करने के नाम पर 1,80,000 की ठगी कर ली गई। मैसेज आने पर पता चला तो पीड़ित ने साइबर थाने में मामला दर्ज करवाया। चिकित्सक विनय भारद्वाज के अनुसार ICICI बैंक से पहली बार उनका क्रेडिट कार्ड जारी हुआ था। इसके बाद कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए कॉल आया। कॉल करने वाले ने बताया कि वे ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड कस्टमर केयर से बोल रहे हैं। उसने कार्ड का नंबर और अन्य सभी जानकारियां देकर विश्वास भी जमाया। साथ ही बताया कि OTP बताने पर कार्ड एक्टिव हो जाएगा और 1,80,000 रुपए की लिमिट अपलोड होगी। लेकिन OTP शेयर करते ही कार्ड से कई बार में कुल 1,80,000 रुपए का ट्रांजेक्शन हो गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मैंने ICICI बैंक से क्रेडिट कार्ड लिया है। बैंक ने ही दिया था मुझे, वहीं से ही आया था। उसके बाद में मुझे टाइम नहीं मिला उसको एक्टिवेट करने का, तो मैं सोच रहा था किसी दिन बैंक में जाके एक्टिवेट कराऊंगा। मैं बिजी था, टाइम नहीं मिल पाया, तो कल शाम को करीबन 5:30-6 बजे के बीच में ICICI बैंक के एक कॉल आया। वो बोल रहा, मैं तुम्हारा कर्मचारी बोल रहा हूँ और आप वो क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट कर लीजिए, आपकी लिमिट 1,80,000 रुपये है और अगर आप इसको एक्टिवेट नहीं करेंगे तो ये डिजॉल्व हो जाएगा, खराब ख़त्म हो जाएगा। तो उसने मेरे से जो भी बात करी, जो भी डिटेल मांगी, मैंने उसको दे दी। फिर मेरे नंबर पर 2-3 बार OTP आए, वो OTP नंबर मैंने उसको दे दिए। करीबन आधे घंटे तक, 20-25 मिनट तक उससे बात होती रही। उसके बाद मैं किसी काम से बाहर चला गया, वापस आके मैं खाना खा के सो गया। आज मैं किसी जरूरी काम से कहीं बाहर चला गया था। वापस आने के बाद मैंने 5 बजे करीब जब मोबाइल में मैसेज देखे, तो मेरे मोबाइल से 90,000 रुपये एक बार, 49,500 एक बार और 30,000 एक बार और 1,500 रुपये एक बार, 4 बार में वो पैसे मेरे उससे निकल गए। हमने टोल फ्री नंबर पे फ़ोन किया तो उन्होंने हमारी एप्लीकेशन ले ली और उसको कार को डीएक्टिवेट कर दिया। कार्ड कितने का फ्रॉड हुआ आपके साथ? 1,80,000। गौरतलब है कि कई माध्यमों से सावधान किया जाता है कि किसी को OTP या कार्ड का CVV नंबर आदि जानकारियां ना दें। इसके बावजूद लोग विश्वास में आ जाते हैं और ठगी का शिकार हो रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां अलवर के सामान्य चिकित्सालय के महिला सर्जिकल वार्ड में भर्ती पेशेंट को संक्रमण का खतरा बना हुआ है। वजह यह है कि भर्ती मरीजों की संख्या अधिक होने के चलते सभी वार्ड फुल हो गए हैं। ऐसे में अब पुरुष मरीजों को भी महिला सर्जिकल वार्ड में भर्ती करना पड़ रहा है। इसे लेकर महिलाएं भी अपने आप को असहज महसूस करती हैं। लेकिन इसका विकल्प सामान्य चिकित्सालय प्रशासन के पास नहीं है। मेडिकल और सर्जिकल सहित अनेक वार्डों में जब मरीज अधिक हो जाते हैं तो ऐसे में महिला सर्जिकल वार्ड में इन्हें भर्ती कर दिया जाता है।
लेकिन विभिन्न बीमारियों के इन रोगियों से सर्जिकल पेशेंट को संक्रमण का भी खतरा बना रहता है। उस वक्त हम खड़े हैं अलवर के सबसे बड़े राज्य के सामान्य चिकित्सालय में, राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय जो जिले का सबसे बड़ा चिकित्सालय है। यहाँ पर हालात ये हो चुके हैं, लगातार जो मरीजों की भीड़ है वो दूसरे जो राज्य यहाँ तक के हरियाणा तक के लोग यहाँ पर आते हैं, जिसके चलते वार्ड फुल होने के चलते महिला वार्ड में भी पुरुष वार्डों को यहाँ पर भर्ती किया गया है। ऐसे में पुरुष यहाँ पर जितनी संख्या में है उतनी संख्या में महिलाएं भी मौजूद है। आप देख सकते हैं कि यहाँ एक बेड पर एक महिला है तो दूसरे बेड पर पुरुष है, यह आप लगातार देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की स्थिति है उसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की। पहले को यहाँ पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर जिस तरह की स्थिति यहाँ पर बयां की जा रही है वहाँ आप देख सकते हैं कि एक फीमेल वार्ड तो सुरक्षित रहता है महिलाओं के लिए, और कई चीजों को देखते हुए यहाँ पर सुरक्षा की बात कही जाती है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए अलग से वार्ड है, वही महिलाओं का इलाज होता है। लेकिन यहाँ पर पुरुषों को केवल इसलिए बेड पर लिटाया गया है क्योंकि वहाँ पर वार्ड फुल हो चुके हैं, यहाँ तक कि मेल सर्जिकल वार्ड और इसके साथ ही मेडिकल वार्ड की महिला पुरुष है वो यहाँ पर भर्ती है। ऐसे में करीब 10 से 20 पुरुष यहाँ पर महिला वार्ड में भर्ती किए गए हैं, जिसको लेकर चिकित्सालय प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं, कोई विकल्प नहीं। ऐसे में हम जानना चाहेंगे कि आखिर इस तरह के हालात क्यों हुए, भगवान से नहीं। अलवर में शनिवार देर शाम अज्ञात कारणों के चलते कैपिटल गैलेरिया मॉल स्थित रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई। चंद मिनटों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, वहीं लपटें रेस्टोरेंट के ऊपरी हिस्से में भी फैल गई, साथ ही धुएं का गुबार छा गया। इसके अलावा आसपास के दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई। आग लगने से कितना नुकसान हुआ इसका आकलन किया जाना है। वहीं दमकल को भी सूचना दी गई, हालांकि उससे पहले ही रेस्टोरेंट के स्टाफ ने सूझबूझ दिखाते हुए आग पर काबू पा लिया। माना जा रहा है कि रेस्टोरेंट में लगे तंदूर के चिमनी सिस्टम के कारण आग लग गई। कार्मिक संजय कुमार ने बताया कि रेस्टोरेंट में काला धुआं उठने पर चिमनी सिस्टम में आग का पता लगा। चंद मिनट में ही आग ने भीषण रूप ले लिया। आग लगने की सूचना मॉल प्रबंधन को भी दी गई, लेकिन आधे घंटे से अधिक समय बीतने पर भी कोई मदद नहीं आई। इस बीच स्टाफ ने ही आग पर नियंत्रण कर लिया। मन्नू मार्ग पर थे और ये कैपिटल गैलरी में है और करी पॉइंट नाम से है, और ये तंदूर जलाया था, फिर अचानक आग लग गई और मॉल वालों ने कोई ध्यान नहीं दिया। करीबन 35-40 मिनट तक कोई नहीं आया पानी बुझाने, आग को बुझाने के लिए। हमने ही आग को बुझाया था। कैसे प्रयास किया आपने? हमने वो चालू करके उधर से, फिर हमने नली से आग बुझाई थी, अंदर भी हमने पूरा बुझाई थी आग। मॉल वाले कोई नहीं आए, मॉल के कोई सिक्योरिटी गार्ड, कोई सिक्योरिटी, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया था। 35 मिनट तक हमने बुझाई थी आग। मॉल वालों की। और वहीं चौपान के औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक केमिकल प्लांट में भीषण आग लग गई। इसके बाद चौपान की पुलिस सहित दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। वहीं आग वाली जगह पर केमिकल के विशाल टैंक रखे हैं। ऐसे में समय रहते आग पर काबू पाने की मशक्कत की जाती रही। वहीं कंपनी प्रबंधक सुरेंद्र तिवाड़ी और रीको दमकल इंचार्ज राजू खान ने घटना की जानकारी दी। कारण आग लगने का और नुकसान कितना है ये सब चीज़ें असेसमेंट करने के बाद ही पता चलेंगी। अभी तो हम लोग काबू पाए हैं आग पे और ये सब चीज़ें बाद में जब हम असेसमेंट करेंगे ठंडा हो जाएगा तब पता चलेगा। अभी हमें कोई इस तरह की जांच पड़ताल करने को पता लगेगा कि आग किस कारण से लगी और कितना नुकसान है। जैसे ही 11:37 पे आग की सूचना मिली तुरंत 11:43 पे गाड़ी कंपनी में पहुंची, कंट्रोल करना चालू कर दिया। अदरवाइज दूसरे स्टेशन से जो गाड़ियां जैसे जैसे समय पे आती गई आग पूरी तरह से काबू में कर ली गई। क्या बनाती है कंपनी पता चला? ये एग्रीकल्चर के लिए दवाइयाँ बनाती है। 1 से 1.5 घंटे के अंदर पूरी तरह कंट्रोल कर लिया गया। 17 से 18 गाड़ियां करीब हमने कलेक्ट कर ली फायर की, जो कंटिन्यू काम करके, और कंपनी का भी अच्छा सहयोग रहा। शर्मा जी ने बहुत विशेष सहयोग दिया हमारे साथ। ये मौसम का एकदम बदलाव है, कंपनी एम्प्लॉई और कंपनी ओनर समझ नहीं पा रहे हैं कि एकदम से इतना हीट हो जाएगा। मौसम जैसे हीट हुआ है कंपनियों में फायर कॉल्स होने लगी है। सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र के नया भूरा सिद्ध वन क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया गया। इसमें वन विभाग और बफर जोन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सफाई कर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। रेंजर शंकर सिंह शेखावत ने बताया कि करीब 60 से अधिक बोरों में प्लास्टिक और पॉलीथीन कचरा जंगल से बाहर लाकर नष्ट किया गया है। इसके अलावा लोगों को इसके दुष्परिणामों की जानकारी देकर जागरूक भी बनाया गया। रेंजर शेखावत के अनुसार भूरा सिद्ध मंदिर और वन क्षेत्र में प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन करने और टहलने के लिए आते हैं। इनमें से बहुत से लोग सामग्री को पॉलीथीन में भरकर फेंक देते हैं।
दो दिन पूर्व ही दो सांभरों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया था। पोस्टमार्टम में उनके पेट से 12 किलो पॉलिथीन निकली थी। आज हमारे उच्च अधिकारी के निर्देशन में सफाई अभियान रखा गया, जिसमें नया बुरासिद मंदिर परिसर और उसके पीछे के जंगल, मेन रोड के जंगल की सफाई की गई, जिसमें अकबरपुर रेंज की रेंज से हमारे सहायक वन संरक्षक महोदय उनके उपस्थिति में और भी स्टाफ सारा बफर स्टाफ और अकबरपुर स्टाफ के सबके सहयोग से और आमजन के सहयोग से पूरे सफाई अभियान किया गया है। जिस प्रकार इस क्षेत्र में कचरा फैल रहा है, पॉलिथीन वगैरह है, तो इससे हम जो भी दर्शनार्थी आते हैं, भ्रमण करने वाले जो लोग आते हैं, उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि वन क्षेत्र में पॉलिथीन वगैरह नहीं लेके जाएं, न उनको फेंकें और विशेषकर वन्य जीवों को खाद्य सामग्री नहीं डालें। तो वन्य जीवों को खाद्य सामग्री डालने से उनके शारीरिक रूप में उनको नुकसान करती है, जो कि वन क्षेत्र के लिए उपयोगी नहीं है और पॉलिथीन का कोई उपयोग न करें। अलवर शहर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में घर के बाहर खड़ी इको गाड़ी चोरी हो गई। पीड़ित ने थाने में पहुंचकर मामला दर्ज कराया है। पीड़ित सत्येंद्र कुमार ने बताया कि धोबी घट्टा में उसकी हलवाई की दुकान है। गत देर रात्रि सत्येंद्र ने अपनी गाड़ी घर के बाहर खड़ी की थी। इसके बाद 12:28 पर तीन युवक एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर यहां आए। इनमें से एक युवक ने लॉक तोड़ा और गाड़ी लेकर फरार हो गए। यह घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। 2 महीने पहले इसी घर के बाहर से सत्येंद्र के बच्चे की साइकिल भी चोरी हो गई थी। उधर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। कल रात को सर अपनी गाड़ी घर के बाहर खड़ी थी, बुद्ध विहार डी ब्लॉक, मकान नंबर 555 का रहने वाला हूँ। रात में गाड़ी मेरी 12:30 अज्ञात चोर उठा के ले गए। कौन सी गाड़ी थी? इको। इको वाली। वो कैमरे में देखा हमने 12:28 पे, तो बाइक से दो आदमी आए और 12:31 पे गाड़ी लेके गए, पीछे बाइक थी उनके। अलवर के जुगरावर मोड़ पर अज्ञात वाहन ने तीन लोगों को टक्कर मार दी। इसके चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक 60 वर्षीय राम सहाय बगड़ तिराहा क्षेत्र का निवासी था। वहीं कैथवाड़ा के साहिल और सुबेदीन घायल हुए हैं। ये तीनों बड़ौदा मेल से जुगरावर आए थे और मोड़ पर खड़े थे। गत रात्रि 9 बजे के आसपास अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। राम सहाय ने अलवर अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं दोनों घायलों का उपचार जारी है। ये साइड में खड़े थे, जैसे ही बड़ौदा में से आए तो ये रोड से नीचे उतर गए। कहाँ पे? जुगरावर स्टैंड पे, जुगरावर चांड पे। तो यहाँ पीछे से किसी वाहन ने टक्कर मारी है, तो उसका पता कर रहे हैं। उसका पता लगने के बाद जैसे ही हम पुलिस को सूचना देंगे, वो इसकी कार्रवाई। क्या क्या नाम से, कौन कौन से? इसका नाम था राम साय सनोप धन्यराम। दो लड़कों का मुझे पता नहीं है। एक का नाम सुबेदीन है, एक का नाम साहिल था। मौत राम साय, ये ग्राम कानूर का निवासी है। अच्छा, ये जब जमींदार अपने बेलदारी करते थे, गरीब आदमी, अभी दो बच्चे शादी हो रह रहे हैं बिना शादी के। यहाँ पे ये कुछ सामान लेके नहीं आए थे, घरेलू जो कोई चीजें होती है वो लेके नहीं आए थे। जैसे ये साइड में खड़े हुए, वहाँ उतर के नहीं, तो किसी ने टक्कर मार दी, खड़े हुए। बाकी दो घायल है, वो दोनों घायल है, इसकी मौत हो गई। मृतक का नाम क्या है? मृतक का नाम राम साय, पुत्र श्री धन्यराम। अलवर के ग्राम गोंदपुर में गैस सिलेंडर लीक होने से लगी आग के चलते 18 वर्षीय छात्र गंभीर रूप से झुलस गया। उसे गंभीर हालत में राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार गोंदपुर निवासी रमेश चंद जाठव का 18 वर्षीय पुत्र अखिलेश कला महाविद्यालय में द्वितीय वर्ष का छात्र है। शनिवार शाम अपने घर में गैस लीक होने का पता लगने पर वह सिलेंडर को लेकर बाहर की तरफ भागा। इसी दौरान गैस सिलेंडर में तेज आग लगने से वह गंभीर रूप से झुलस गया। गोंदपुर के रहने वाले हैं, सिलेंडर लीक हो गया। क्या नाम है इनका? अखिलेश। क्या काम करते हैं? कुछ नहीं, पढ़ता है। कैसे लीक हो गया सिलेंडर? श्री चंद्र प्रभु विकलांग कल्याण समिति अलवर के चुनाव संबल भवन पर आयोजित किए गए। निर्वाचन अधिकारी मधुसूदन शर्मा एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी अशोक आहूजा ने बताया कि यह चुनाव निर्विरोध संपन्न हुए। इसमें अशोक जैन अध्यक्ष, नरेंद्र जैन रामगढ़ महामंत्री, सीताराम शर्मा कार्यकारी अध्यक्ष, अविनाश माथुर एवं रामलाल वर्मा उपाध्यक्ष होंगे। साथ ही कैलाश चंद गुप्ता मंत्री, ताराचंद अग्रवाल कोषाध्यक्ष, अशोक कुमार गुप्ता, संजय सचेती, मनीष जैन और सरला सचेती कार्यकारिणी सदस्य निर्वाचित किए गए हैं। इस अवसर पर समिति के संरक्षक खिल्लीवल जैन, हरीश कालरा और डॉक्टर नारायण बिहारी शर्मा भी उपस्थित रहे। जैन युवा फेडरेशन की अलवर इकाई द्वारा नवी मासिक जैन दर्शन पदयात्रा चेतन एनक्लेव जैन मंदिर से प्रारंभ हुई।
यह पदयात्रा नंदीश्वर जिनालया बड़तला पंचायती मंदिर पहुंची। यह बड़तला समाज के अध्यक्ष राजेंद्र जैन और उनकी कार्यकारिणी द्वारा तिलक लगाकर पदयात्रियों का स्वागत किया गया। वहीं लगभग 100 पदयात्रियों का दल जैन धर्म की प्रभावना करता हुआ बजाजा बाजार स्थित नंदीश्वर मंदिर पहुंचा और पूजन किया। साथ ही मुनि साक्षर सागर महाराज संघ के दर्शन एवं प्रवचन का लाभ लिया। यात्रा के संयोजक मधु जैन और दीपक जैन थे। फेडरेशन के अध्यक्ष आशीष जैन द्वारा मंदिर समिति का आभार व्यक्त किया गया। उधर इस पदयात्रा में विभिन्न समाजों एवं इकाइयों के अध्यक्ष शामिल हुए। इनमें रमेश जैन, प्रवीण जैन, राजेंद्र जैन, सुभाष अग्रवाल, धीरज जैन और पीके जैन आदि प्रमुख थे। और वहीं जिला स्तरीय सब जूनियर एवं जूनियर पावरलिफ्टिंग प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया। इसका आयोजन अलवर के बाल विहार स्कूल में रविवार को किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बाल विहार शिक्षा समिति के अध्यक्ष मदन हाड़ा ने की, जबकि मुख्य अतिथि जिला ओलंपिक संघ अलवर के अध्यक्ष उत्तम सैनी और विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय खिलाड़ी भारत भूषण गुलाटी रहे। वहीं मुख्य निर्णायक की भूमिका राहुल शर्मा, शहजाद खान और अंशुमन शर्मा ने निभाई। आयोजन सचिव आशीष जयमन के अनुसार विजेता खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया गया है। सभी विजेताओं को पदक पहनाकर एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। सृजक संस्थान की ओर से कवियत्री एवं साहित्यकार नीलिमा कालरा की पहली काव्य कृति अपने हिस्से का सच का लोकार्पण किया गया। यह कार्यक्रम रविवार को अलवर के जयंती मॉल स्थित होटल ऑर्नेट में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली की विख्यात समीक्षक डॉक्टर सुनीता रही, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में फरीदाबाद सिविल जज अपर्णा चौधरी, साहित्यकार डॉक्टर योगमाया और समाज सेवी एडवोकेट दीवान चंद्र सेतिया मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान अध्यक्ष डॉक्टर अंजना अनिल ने की। संस्थान के उपाध्यक्ष खेमेंद्र चंद्रावत ने बताया कि नीलिमा कालरा की इस पुस्तक में समाज को एक नई दिशा देने में सक्षम रचनाएं शामिल की गई हैं। अलवर की साहित्यकार आदरणीय नीलिमा कालरा जी के जो एक उनकी पुस्तक है अपने सपने का सच, उसका यहाँ पर विमोचन का कार्यक्रम चल रहा है और ये कार्यक्रम अलवर की प्रतिष्ठित सजग संस्थान के तत्वावधान में किया जा रहा है। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में देश की बहुत बड़ी लेखिका जवाहरलाल विश्वविद्यालय की प्रोफेसर आदरणीय डॉक्टर सुनीता जी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर रही हैं। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं सजग संस्थान की अध्यक्ष डॉक्टर अंजना अनिल जी। विशेष अतिथि के रूप में आदरणीय दीवानचंद सेतिया साहब यहाँ पर विराजमान हैं और इसके अलावा डॉक्टर योग माया जी आज के इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारी हुई हैं। और आज का ये कार्यक्रम निश्चित रूप से बहुत गरिमामय कार्यक्रम है। नीलिमा जी ने जितनी भी कविताएँ इसमें शामिल की हैं उनके इस कविता संग्रह में, वो सारी की सारी कविताएँ जो हैं वो बहुत शानदार हैं और वो समाज को एक दिशा देने में सक्षम है। नेक कमाई फाउंडेशन एवं डॉक्टर गोपाल राय चौधरी ट्रस्ट की ओर से रविवार को रक्तदान शिविर लगाया गया। यह कैंप अलवर के मोती डूंगरी स्थित सेठ माखनलाल चैरिटेबल ब्लड बैंक में आयोजित हुआ। वहीं शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में समाज सेवा कर रही 50 महिलाओं को प्रशस्ति पत्र दिए गए। इसके अलावा आर्थिक रूप से निर्धन 5 बालिकाओं को शादी के कपड़े और सामान उपहार स्वरूप भेंट किए गए। नेक कमाई फाउंडेशन के संरक्षक दौलतराम हजरती ने बताया कि फाउंडेशन द्वारा अब तक 198 निर्धन बालिकाओं को शादी के कपड़े और सामान प्रदान किया जा चुका है। नेक कमाई फाउंडेशन एवं डॉक्टर गोपाल राय चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही 50 ऐसी महिलाएं जो समाज सेवा में लगी हुई हैं, शिक्षा क्षेत्र में काम कर रही हैं और चिकित्सा क्षेत्र में काम कर रही हैं, उनको नेक कमाई समूह फाउंडेशन द्वारा सम्मानित किया गया है। साथ ही 5 आर्थिक रूप से गरीब परिवार की बच्चियों को कन्यादान का सामान दिया गया है। लोकसभा चुनाव के चलते संशोधित हुई 5वीं बोर्ड की परीक्षाएं 30 अप्रैल से शुरू होंगी। परीक्षा में अलवर सहित खैरथल तिजारा और कोटपुतली बहरोड जिले के कुल 76,862 परीक्षार्थी भाग लेंगे। डाइट कॉलेज के प्राचार्य एवं परीक्षा प्रभारी सुबे सिंह यादव ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसके लिए 729 परीक्षा केंद्र और 35 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। 30 अप्रैल से शुरू होकर 4 मई तक चलने वाली परीक्षाओं का समय सुबह 8 बजे से 10:30 बजे का रहेगा। सर, 5वीं बोर्ड की परीक्षाएं 30 अप्रैल से आरम्भ होंगी और 4 मई 2024 तक चलेंगे। अलवर
जिले प्लस खैरतल और तीन ब्लॉक हमारे कोटपुतली बहरोड जिले के कुल मिला के डाइट अलवर के द्वारा पेपर करवाए जाने हैं। ये कुल विद्यार्थी हमारे होंगे 76,862 जो 729 सेंटरों पर परीक्षा आयोजित होगी और कुल मूल्यांकन केंद्र इनकी कापियां चेक करवाने के लिए 35 स्थानों पर निर्धारित किए गए हैं जिन पर ये मूल्यांकन का कार्य। परीक्षा का समय प्रातः 8 बजे से 10:30 बजे का रहेगा। खबरें अभी और भी है लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एटीएल टीवी। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुजर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का आरएएस में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, सीसीटीवी कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 01442338653 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहां आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है।
डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड जसवंत राय से पहले कटी घाटी अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बिजली और पानी बचाने के नारे सभी सरकारें देती हैं, लेकिन इसकी पालना अक्सर नहीं होती। मालाखेड़ा उपखंड कार्यालय में रविवार को दिन में भी ट्यूबलाइट जलती रही। कार्यालय के बरामदे सहित पोर्च और कक्ष में ऐसे दृश्य दिखे। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को कार्यालय बंद करने के दौरान सभी स्विच ऑफ करने होते हैं, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसी वजह से रविवार को दिन में भी इस सरकारी कार्यालय में लाइट्स जल रही थी। मालाखेड़ा के ग्राम ढाकपुर स्थित श्री ठाकुर जी मंदिर में रविवार को श्री शिव महापुराण कथा का शुभारंभ हुआ। ये कथा 4 मई तक रोजाना दोपहर 12:15 से शाम 4:15 बजे तक चलेगी। राष्ट्रीय कथावाचक स्वामी कमलदास बापू ने प्रथम दिन श्री शिव महापुराण कथा सुनने का महत्व बताया। श्रद्धालु शीला प्रजापति के अनुसार कथा से पूर्व श्री ठाकुर जी मंदिर से विशाल कलश यात्रा निकाली गई। नारायणपुर उपखंड के समीपवर्ती ग्राम बास नरबद में बाल विवाह के खिलाफ जन जागरूकता अभियान चलाया गया। सत्यार्थी मूवमेंट फॉर ग्लोबल कंपेशन ने सुमेधा कैलाश के निर्देशन में यह कदम उठाया। इसके तहत पंपलेट वितरित करने के साथ ही घर घर संपर्क किया गया। इसके अलावा जानकारी दी गई कि बाल विवाह में शामिल बाराती, घराती, पंडित, टेंट वाले सहित माता पिता एवं बिचौलियों को सजा हो सकती है। इसमें 2 साल की कैद या 1,00,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के मौका निरीक्षण और निर्देश के बाद स्टेट हाईवे 44 पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। मालाखेड़ा रेलवे स्टेशन से लेकर सुभाष चौक फकीर बस्ती से होकर कार्य करवाया जा रहा है। वहीं स्टेशन से मेगा हाईवे को जोड़ने वाला यह मार्ग क्षतिग्रस्त हो चुका था। लोगों की सूचना पर नेता प्रतिपक्ष जूली ने यहां पहुंचकर पीडब्ल्यूडी अधिकारी और ठेकेदार को मौके पर बुलाया था। साथ ही जर्जर सड़क को दुरुस्त करने के निर्देश दिए थे। नगर पालिका के अध्यक्ष हिम्मत सिंह और उपाध्यक्ष शिवचरण ने बताया कि सड़क फिर से बनने के बाद दुर्घटनाओं की आशंका कम हो जाएगी। सभी बस्ती और गांव के लोग चाहते थे कि ये रोड बन जाए, लेकिन काफ़ी दिनों से ये पेंडिंग पड़ा हुआ था। पहले भी इसकी सेंसर निकली थी काफ़ी बार, लेकिन किसी कारणवश ये नहीं बन पाया था। अब कल नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली साहब को हमने सभी ग्रामवासियों ने बुलवाया और वो यहाँ हमारे बीच हुए और उन्होंने तुरंत मोदी ग्रुप के राम किशन जी पी एम साहब ने बुलवा कर ली और इस रोड को बनाने का आदेश दिए। और मेरे से भी कहा कि मेरी जो गाड़ी होती है सब पाई वाई लगा करके सब काम सही करवाओ और तुरंत इस रोड को बनवाओ। और सब मिल करके पीएम मोदी ग्रुप के साथ इस रोड को बनवा रहे हैं। अब मंत्री जी के आशीर्वाद से ये रोड बन रहा है और आज काम बड़ी जोरों से चालू है। इधर से उधर साधन आ रहे हैं, जा रहे हैं, मनवा दिखा है, देर भी हो रही है। अलवर के डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल की ओर से मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों में कैंप लगाए जाते हैं। इसके जरिए आंखों की निशुल्क जांच कर ऑपरेशन करवाए जाते हैं। इसी कड़ी में अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारी योगेश कुमार यादव के निर्देशन में टीम मालाखेड़ा पहुंची। उन्होंने बताया कि जरूरतमंद मरीजों के निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन कर लेंस लगाए जाएंगे। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के इंदौक की एक ढाणी में छप्पर में आग लगने से घरेलू सामान और पशुओं की खाद्य सामग्री जलकर खाक हो गए। सूचना पाकर सरपंच प्रतिनिधि पेमाराम सैनी भी मौके पर पहुंचे और पुलिस प्रशासन एवं राजस्व विभाग को अवगत कराया। सैनी के अनुसार इंदौक की सौगण की ढाणी निवासी जैलाराम शाहपुरा में एक होटल पर मजदूरी करता है। वही शनिवार को उनके परिवार की महिला भगो देवी जंगल में बकरी चराने गई थी। इसी दौरान अज्ञात कारण के चलते छप्पर वाले घर में आग लग गई। ऐसे में हजारों का सामान और कपड़े आदि जल गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची महिला और उसकी नवासी इस दृश्य को देखकर बिलख उठी। ऐसे में उम्मीद है कि अब भामाशाह और प्रशासन उनकी मदद के लिए आगे आएंगे। दादर स्टैंड के समीप जैसमंद बांध के बहाव क्षेत्र में पक्के निर्माण की बात हाल ही सामने आई थी। अब मालाखेड़ा एसडीएम और तहसीलदार ने इस दीवार को तोड़वा दिया है। गौरतलब है कि जैसमंद बांध के बहाव क्षेत्र की जमीन सहित गैर मुमकिन पहाड़ पर भी अतिक्रमण जारी है।
इसके अलावा कृषि भूमि पर अवैध प्लॉटिंग करने से सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। इसी कड़ी में दादर पुलिया के पास एक व्यक्ति ने पक्की दीवार बनाकर जैसमंद के बहाव क्षेत्र को संकुचित कर दिया था। उपखंड अधिकारी देवी सिंह के अनुसार दीवार को ध्वस्त करवा दिया गया है। जैसमंद बांध के बहाव क्षेत्र में यहाँ दादर पंचायत क्षेत्र में एक व्यक्ति के द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर पक्का निर्माण कर लिया था, जिसका समाचार ATL पर प्राथमिकता से प्रसारित किया। इस पर उपखंड अधिकारी माला खेड़ा के निर्देश पर तहसीलदार ने बहाव क्षेत्र में बनाई गई पक्की दीवार को तुड़वाया गया है। आखिर अलवर जिले सहित ग्रामीण क्षेत्र में मंदिर माफी की जमीन, नदी बांध के बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण भरमार हो रहे हैं, जहां इस सभी की सूचना उपखंड अधिकारी और तहसीलदार मालेखंडा ने राजस्व कर्मियों से तलब की है। मैं उदेश सिंह ATL। विप्र सेना युवा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अमित शर्मा ने मालाखेड़ा मंडल अध्यक्ष पर गोविंद जोशी को मनोनीत किया है। विप्र सेना प्रमुख सुनील तिवारी के निर्देश पर जिलाध्यक्ष गजेंद्र शर्मा और युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि जोशी की सहमति से यह मनोनयन किया गया है। साथ ही 15 दिन में तहसील कार्यकारिणी के गठन के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही शोषित, वंचित और पीड़ितों की आवाज इस संगठन के जरिए बुलंद की जाएगी। अकबरपुर कस्बे में शनिवार रात श्री श्याम युवा सेवा समिति ने तृतीय खाटू श्याम जागरण का आयोजन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही। अलवर से आए आशीष शर्मा और उनकी टीम ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। साथ ही दिल्ली और बांदीकुई से आई महिला कलाकारों ने अनेक भजन प्रस्तुत किए। इस दौरान बाबा खाटू श्याम के जयकारे गूंजते रहे। वहीं शंकर पार्वती, हनुमान जी, काली माता एवं सुदामा कृष्ण सहित अनेक झांकियां सजाई गई। जागरण का शुभारंभ लुकास पंडित और समिति के सदस्यों ने गणेश जी के पूजन के साथ किया। साथ ही खाटू श्याम बाबा का भव्य दरबार आकर्षण का केंद्र रहा। श्री श्याम युवा सेवा समिति के तत्वावधान में ये तीसरा वार्षिक उत्सव बड़े धूमधाम से बाबा श्याम का जागरण अकबरपुर TCS कॉलोनी चौकी के सामने किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली से भावना जी सुरांजनी और बांदीकुई से रोशनी शर्मा, अलवर से मैं आशीष शर्मा और भाई कमल गाना अपनी सुंदर हाजिरों के साथ बाबा का संपूर्ण रात्रि गुणगान कर रहे हैं। मनीष एंड आर्ट ग्रुप की बहुत सुंदर झांकियां संपूर्ण रात्रि बाबा शाम के भजनों पर बीचकर सभी भक्तों को अपनी ओर मंत्रमुग्ध कर रही है। भव्य दरबार अलवर नरेश का श्याम सावरा मंत्रमंडल के तत्वावधान में लगा है और बहुत ही सुंदर म्यूजिकल ग्रुप भाई मोहित म्यूजिकल ग्रुप अपनी बहुत ही सुंदर प्रस्तुति पेश कर रहा है। सभी शाम प्रेमी बहुत खुश हैं, बहुत मस्ती का माहौल है। माचड़ी गांव स्थित पाबूजी महाराज के स्थान पर श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। इस उपलक्ष्य में रविवार को विशाल कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान उमरैन गांव स्थित पंचमुखी हनुमान जी मंदिर में पूजन के बाद करीब 1.5 किलोमीटर की यह कलश यात्रा निकली। इसमें आकर्षक झांकियां शामिल रही। साथ ही गर्मी को देखते हुए सड़क पर पानी का छिड़काव भी हुआ। उधर श्रद्धालु पुष्पेंद्र गुर्जर और बच्चू सिंह रैबारी ने बताया कि माचाड़ी गांव में बापूजी महाराज के स्थान पर 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। बापूजी के स्थान पर कार्यक्रम रहा, जिसमें शिव परिवार की मूर्ति महाराज द्वारा उतारी गई और आज कलश यात्रा प्रारंभ से पूर्व सीता माता, राम जी, हनुमान जी की मूर्ति चांदी की महाराज द्वारा उतारी गई। आज मात्र धाम बापूजी के स्थान पर भगवत गीता के कलश यात्रा का शुभारंभ है और 7 दिन तक सप्ताह चलेगी। इसमें दूर दूर के दर्शनार्थी आ रहे हैं और भव्य कलश यात्रा चल रही है। हमारे उमरैन में पंचमुखी महादेव जी का मंदिर है, वहाँ से श्री पापू जी महाराज माचड़ी धाम पधार रहे हैं। वहाँ पर यात्रा जारी है, 1100 कलश हैं, 1100 झंडे हैं यात्रा में और कम से कम 100 गाँव के लोग एकत्रित हुए हैं। बहुत बड़ा प्रोग्राम है, 5000 लोगों का खाना चल रहा है। अकबरपुर कस्बे में रविवार सुबह से ही लाइट कटौती देखी गई। इस स्थिति ने आम जन के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। दोपहर में तेज गर्मी के चलते लोग कमरों के बाहर बैठे रहे। बिजली नहीं होने से पंखे कूलर नहीं चल पाए। तेज गर्मी के मध्य बिजली की कटौती दुखदायी साबित हो रही है। ये अघोषित विद्युत कटौती से जनता ही परेशान हो रही है और इसका पता भी नहीं लग रहा है कि ये कितने समय बाद आएगी। अब देखो, हम बाहर यहाँ बैठे हैं, धूप इतनी पड़ रही है, बिना लाइट के तो अब गर्मियों में
घरों में जीवन यापन करना तो मुश्किल है, लाइट तो जरूरी है, आदि हो गए हैं लाइट का, तो लाइट जितनी जल्दी दुरुस्त होता है उतना ज़्यादा अच्छा है। कितने घंटे की लाइट है? 4-5 घंटे लाइट के हो गए, हम तो देख रहे हैं जब से आ ही नहीं रही। और तो सुबह 8 बजे चले गई थी लाइट, और हमारे इन्वर्टर वगैरह लगा रखे थे वो भी फेल हो चुके हैं। हाँ, विद्युत के तो सभी काम रुक गए हैं, अब विद्युत संबंधित कोई काम हो ही नहीं रहा है, इसलिए बैठे हैं आराम से बाहर। हाँ, रोज़ का ही है, अब तो ये रोज़ का रूटीन सा हो गया है। और वहाँ लाइन मैन से बात करते हैं तो कहें कि पीछे से फॉल्ट है, 11,000 फॉल्ट हो गई। राजगढ़ क्षेत्र के ग्राम सकट में चौथ माता का 2 दिवसीय वार्षिक मेला आयोजित हुआ। यह मेला ध्वजारोहण के साथ आरंभ हुआ था। यहाँ देश भर से दर्शनार्थियों का तांता लगा रहा। सरपंच मालती देवी सैनी ने बताया कि श्री थाई वाले हनुमान जी महाराज मंदिर से चौथ माता की ध्वज यात्रा का शुभारंभ हुआ। चौथ माता मंदिर पहुंचने पर ध्वज फहराया गया, साथ ही मंदिर परिसर की सभी प्रतिमाओं की पुष्प झांकी सजाई गई। चौथ माता के मेले के अवसर पर कई नव विवाहित जोड़ों ने नमन किया, साथ ही कई श्रद्धालुओं ने अपने बच्चों का मुंडन संस्कार करवाया। इसके अलावा अपनी मन्नत पूरी होने पर चौथ माता को श्रृंगार की वस्तुएं और पोशाक चढ़ाई गई। इस दौरान अनेक समाजों के अलावा कई संगठनों ने शरबत आदि की प्याऊ भी लगाई। उधर सरपंच प्रतिनिधि फूलचंद सैनी ने बताया कि मेले में कुश्ती दंगल भी आयोजित होता है। इस वर्ष ग्रामीणों के सहयोग से पंचम शत चंडी महायज्ञ एवं श्री राम कथा का आयोजन भी किया जा रहा है। कठुमर की बहतु कला पंचायत स्थित देवी धौलागढ़ माता के 7 दिवसीय मेले का शुभारंभ हो गया है। यहाँ मुख्य अतिथि विधायक रमेश खींची ने ध्वज पूजा के साथ उद्घाटन किया, जबकि अध्यक्षता सरपंच रामचरण यादव ने की। वहीं SDM सुखाराम पंडेल, तहसीलदार RK यादव, विकास अधिकारी शशि बाला और DSP जोगेंद्र राजावत विशिष्ट अतिथि रहे। विधायक खींची ने अरावली पर्वत शिखर पर स्थित धौलागढ़ देवी मंदिर के मुख्य गुम्बद पर ध्वज पताका को फहराया। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुजर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है।
अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 01442338653 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहां आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड जसवंत राय से पहले कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आदर्श जाट महासभा की गोविंदगढ़ बड़ौदा में तहसील कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो गया है। यह कार्यक्रम श्री सूरजमल शिक्षण संस्थान में आयोजित हुआ। इस दौरान अध्यक्षता जिलाध्यक्ष तुहीराम चौधरी ने की, जबकि मुख्य अतिथि प्रधान गोपाल चौधरी एवं आदर्श जाट महासभा के प्रदेश संगठन मंत्री सुवालाल थे। नवनियुक्त तहसील अध्यक्ष महेंद्र निहाल सिंह ने धन्यवाद व्यक्त किया। श्री सूरजमल शिक्षण संस्थान के निदेशक मास्टर धर्मवीर चौधरी और सोहनलाल चौधरी ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। वहीं नवनियुक्त पदाधिकारियों को शपथ दिलवाई गई। वीर तेजाजी के जयकारों के साथ ही माँ सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। कोटकासिम के बासनी रोड स्थित ढाबे पर जानलेवा हमले के आरोपी विक्रम मूसा को पुलिस ने पकड़ लिया। थानाधिकारी नंदलाल जांगड़ा ने बताया कि आरोपी ग्राम खानपुर डांगरान का निवासी है। मूसा और उसके साथियों पर 24 अप्रैल की शाम विजय गुजर और महेंद्र पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। तिजारा कस्बे के वार्ड 5 स्थित शिव मंदिर के समीप श्रीमद भागवत कथा एवं ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ किया गया है। कथा से पूर्व महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। वहीं दोपहर 3 बजे कथा में पंडित रामानंद व्यास ने भगवान कृष्ण की लीला का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि कथा सुनने से पाप कटने और घर में खुशहाली आने की मान्यता है। वहीं पंडित रामानंद व्यास ने बताया कि भगवान शिव की महिमा अपार है। उधर इस मौके पर भगवान श्री कृष्ण के भजन प्रस्तुत किए गए, साथ ही श्री कृष्ण से संबंधित झांकियां दिखाई गई। भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र को खोला और देखा तो केक सुख शिशु कंदरा के अंदर छिपा हुआ बैठा है। बाबा भोलेनाथ त्रिशूल को लेकर के सुख शिशु को मारने के लिए दौड़े। टपुकड़ा थाना पुलिस ने पत्नी और पुत्री की हत्या के आरोपी निशांत पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी भगवान साय ने बताया कि घटनास्थल त्रेहान सोसाइटी में रह रहे लोगों से संपर्क कर घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई थी। गहन जांच के बाद एक टीम को उपनिरीक्षक सुहेल के नेतृत्व में गोपालगंज बिहार रवाना किया गया। यहाँ अभियुक्त निशांत पांडे को पकड़ लिया गया। बताया जाता है कि आरोपी निशांत कुमार पांडे और आकांक्षा सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे के संपर्क में आए थे।
इन्होंने करीब 8 साल पहले शादी कर ली थी। इनके बीच आए दिन झगड़े होते थे। वहीं 17 अप्रैल को विवाद के बाद निशांत पांडे घर से कंपनी जाने के बजाय भिवाड़ी चला गया। शराब पीने के बाद वह शाम को वापस फ्लैट पर पहुंचा और बाथरूम में ले जाकर आकांक्षा का गला दबा दिया। अगले दिन 18 अप्रैल को निशांत ने अपनी 4 वर्षीय बेटी नव्या की भी गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी। गौरतलब है कि आरोपी ने एक अन्य विवाह कर रखा है, साथ ही आकांक्षा से शादी के बारे में अपने घर वालों को नहीं बताया था। साउथ वेस्ट ब्लॉक कालाकुआ में श्री राजपूत समाज की मीटिंग का आयोजन किया गया। इस दौरान 9 मई को महाराणा प्रताप जन्मोत्सव के कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई। इसके अलावा विशाल केसरिया रैली के पोस्टर का विमोचन किया गया। इस अवसर पर राजेश सिंह, जितेंद्र सिंह, दीपक सिंह तवर, मुकेश सिंह, प्रेम सिंह राजावत और भूपेंद्र सिंह राठौड़ आदि मौजूद रहे। जिले वासियों से निवेदन है कि 9 मई को महाराणा प्रताप जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में अलवर के अंदर विशाल केसरिया रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। अलवर शहर के चोर डूंगरी क्षेत्र के निवासी एक व्यक्ति ने जहर खाकर जान दे दी। वह मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। 20 अप्रैल को 50 वर्षीय लक्ष्मण प्रसाद ने अपने घर पर कोई जहरीला पदार्थ खा लिया था। इसके बाद से जिला अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था, लेकिन 8 दिन बाद लक्ष्मण प्रसाद की इलाज के दौरान मौत हो गई। अरावली विहार थाने के ASI मनोज कुमार ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। मृतक का नाम प्यारे लाल लक्ष्मण प्रसाद सनो प्यारे लाल है, जाति ब्राह्मण है, केवल प्रसाद कॉलोनी में अलवर रहता है। इसके ये साइकिल मरीज था, इसने कहीं से कोई जहरीला दवाई खा ली, जिससे 20 तारीख से भर्ती था। आज दौरान इलाज इसकी मृत्यु हो गई, जिसका पोस्टमार्टम कराया जाकर परिवारजनों को लाश सुपुर्द की जा रही। भिवाड़ी के सेंट्रल मार्केट में हुई लाखों की मोबाइल चोरी का पुलिस ने 48 घंटे में खुलासा कर दिया है। वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर 26 नए और 3 पुराने मोबाइल बरामद किए हैं। SP ज्येष्ठा मैत्रेय के निर्देश पर गिरफ्तारी की गई। इससे पूर्व SHO हरदयाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस दल ने जांच की और कुछ ही समय में आरोपियों को दबोच लिया। कल दिनांक 26 अप्रैल 2024 की रात्रि को करीब 12:30 बजे 2 चोर सेंट्रल मार्केट से मोबाइल फोन के शोरूम को तोड़ करके और करीब 44 मोबाइल तथा अन्य सामान चोरी करके ले गए थे, जिस पर सुश्री ज्येष्ठा मैत्री पुलिस अधीक्षक महोदया जिला भिवाड़ी के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया, जिस पर दोनों मुलजिमानों का पीछा करते हुए और मात्र 24 घंटे के अंदर दोनों मुलजिमों को पूरे माल सहित गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनसे मोबाइल भी बरामद कर लिए हैं तथा बाकी का सामान भी बरामद कर लिया गया है। आरोपियों की हम प्रोफाइल की बात करें तो किस टाइप का प्रोफाइल है इनका? दोनों गांजे का नशा करने के आदि हैं, जो बाहर के राजगढ़ और वहाँ कठुमर खेडली के रहने वाले हैं और यहाँ कोई काम करने के लिए पुट्टी करने का काम, पुताई का काम करते थे। पुताई का काम चूंकि अब कोई नहीं मिला, तो इसलिए इन्होंने इस तरह की चोरी की वारदात की है। तो लगभग ये नशे के आदि हैं, तो नशे के हिसाब से चोरी करने आए थे या वाकई इनका कोई बड़ा मंसूबा था? इस संबंध में तो अभी अनुसंधान बाकी है, बाकी ये नशे के लिए ही इन्होंने ये वारदात की है। बात करें पीड़ित की तरफ से जो FIR दर्ज कराई गई थी, उसमें जो कुछ बताया गया था, क्या वही माल मिल पाया या वो बरामदगी हो पाई है, या उससे ज्यादा था या उससे कम था? ना, उतना ही माल। हालांकि उन्होंने जो 44 मोबाइल जाना बताया है, जिनमें 32 मोबाइल हमने रिकवर किए हैं तथा बिजली के जो केबल थे वो भी, कैश भी, सारा सामान बरामद कर लिया है। समझदार प्रबुद्ध लोगों से तो मेरा यही अनुरोध है कि CCTV अपने प्रतिष्ठानों पे और दुकानों के आसपास अवश्य लगाएं, जिससे मुलजिमों को गिरफ्तारी करने में और पुलिस को काफी सुविधा रहती है। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। साइबर ठगों के बिछाए जाल में आए दिन फंस रहे हैं शिकार। चिकित्सक से क्रेडिट कार्ड के नाम पर ठगे 1,80,000। महिला सर्जिकल वार्ड में अन्य मरीजों को भर्ती करने से संक्रमण का बना खतरा। रोगियों की बड़ी संख्या से जिला अस्पताल के वार्ड हुए फुल। कैपिटल गैलेरिया के रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, तंदूर का चिमनी सिस्टम बना वजह। वहीं चौपानकी के केमिकल प्लांट में भड़की आग।
और तड़प तड़प कर मरे दो सांभरों के पेट से निकली 12 किलो पॉलिथीन। भूरा सिद्ध वन क्षेत्र में पॉलिथीन और प्लास्टिक कचरा फेंकना बना जानलेवा। वहीं वन विभाग ने चलाया जागरूकता अभियान। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।